वनराज के सामने आया मीनू का प्यार। वनराज ने दिया मीनू को यूएसए भेजने की धमकी। स्टार प्लस का शो अनुपमा के आने वाले एपिसोड में हम सभी देखेंगे कि अनुपमा मीनू को समझाती है। अब यहाँ पर मीनू कहती है कि मैं आपकी सारी बातें समझ रही हूँ, मैं साइकोलॉजी की डॉक्टर हूँ, लेकिन फिर भी मैं आज अपने मन को संभाल नहीं पा रही हूँ। अनुपमा मीनू को कंसोल करती है, वो उसे वनराज के पास लेकर जाती है। वनराज अनुपमा के सामने से मीनू को बहुत शांति से लेकर जाता है, लेकिन घर जाकर वो बहुत बड़ा हंगामा करता है और साथ ही इमोशनल ब्लैकमेल करता है। वनराज सपने में ये भी देखने लगता है कि अगर वो मीनू को डायरेक्टली बोलेगा और बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा तो मीनू अपने प्यार का इजहार करेगी, इसलिए यहाँ पर वनराज मैनिपुलेट करता है, उसे ब्लैकमेल करता है। वनराज मीनू के घर वालों को फ़ोन करता और कहता है कि मीनू को यूएसए वापस लेकर चले जाइए। मीनू किसी तरीके से ये बात संभाल लेती है, लेकिन वनराज कहता है कि मीनू के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो वनराज की वो बातें माने यहाँ पर वो सही से रहे, अनुपमा और सागर से दूर रहे, या फिर यूएसए चली जाए। मीनू ने सब कुछ बताया कि कुछ लड़के थे जो कॉन्स्टेंटली बदतमीजी कर रहे थे, मीनू का टॉप तक फट गया, लेकिन यहाँ पर भी वनराज के एक्सप्रेशंस नहीं बदले। वनराज को यहाँ पर थैंकफुल होना चाहिए था कि सागर ने मीनू की इज्जत बचाई, लेकिन वनराज सिर्फ ये चाहता है कि सागर से मीनू दूर रहे, और डिम्पी को छोड़कर सब मीनू के खिलाफ हो गए हैं। अब देखना ये इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या सच में मीनू करेगी सागर को इग्नोर। आपको क्या कुछ कहना है इस पूरी अपडेट को लेकर, आप अपना ओपिनियन हमें कॉमेंट के जरिए जरूर बताइए, और साथ ही टेलीविजन से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।